नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉरपोरेट ट्रेनर एंड फिटनेस लवर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले मेरा बॉडी वेट 96 केजी था और फिर जब मैंने वेट लॉस किया तो मेरा बॉडी वेट 67 केजी तक आया और मैंने बॉडी बिल्डिंग करके सिक्स पैक एब्स भी अचीव किया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फैट लॉस अगर आपको करना है, वेट लॉस आपको करना है, तो किस तरह से आप जॉगिंग करेंगे, रनिंग करेंगे और स्प्रिंट करेंगे और किस तरह का सरफेस होना चाहिए ताकि उसका इम्पैक्ट आपके घुटनों पर ना आए। ये सारी बातें आज आप समझने वाले हैं और इसका प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉक आपको करना है, उसमें आपका वॉक स्पीड तेज होना चाहिए। उस तेज वॉक स्पीड में जब आप वॉकिंग करेंगे तो आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज होगी। जब हार्ट बीट तेज होगी तो उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी बॉडी पर होगा। ऑक्सीजन इनटेक और एक्सेल जो होगा बहुत फास्ट होगा, जिसकी वजह से आपका वेट बहुत तेज़ी से घटना शुरू होगा। यहाँ ध्यान रखना है कि आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और वॉकिंग करते समय हैंड मूवमेंट राइट होनी चाहिए। अब हम करने वाले हैं एक मिनट की जॉगिंग, जिसमें आपकी स्पीड रनिंग की तरह नहीं होगी, थोड़ा लाइट स्पीड में हम जॉगिंग करेंगे यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक मिनट की जॉगिंग करने के बाद अब हम करेंगे स्प्रिंट, और स्प्रिंट में आपको अपनी एनर्जी का 100% बूस्टअप करना है। जितना फास्ट आप रन कर सकते हैं उतना फास्ट आपको रनिंग करना है। तो फ्रेंड्स, स्प्रिंट का जो आपको बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आपका जो हार्ट बीट है बहुत तेज हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी और आपका फैट लॉस बहुत तेज़ी से होगा। तो ये तीन एक्सरसाइज का जो कॉम्बिनेशन है, वॉकिंग, जॉगिंग और स्प्रिंट, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपके बॉडी में फैट परसेंटेज को लूज करने में, और बहुत जल्दी आप एक बॉडी को शेप अप कर पाएंगे। आप वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग या स्प्रिंट करें तो किस तरह का सरफेस होना चाहिए और किस तरह के शूज़ होने चाहिए। आपके जो शूज़ हैं वो रनिंग शूज़ होने चाहिए। अगर आप रनिंग शूज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके यहाँ घुटनों पर आता है। इनको सेफ रखने के लिए आपको बढ़िया क्वालिटी के रनिंग शूज़ लेने चाहिए। दूसरी बात, सरफेस कैसा होना चाहिए इस पर हमें दौड़ना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब रनिंग करते हैं तो सरफेस जो होता है बहुत हार्ड होता है। हार्ड सरफेस होने की वजह से वो जो बाउंस हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। यहाँ पार्क में देख रहे हैं, सभी पार्क में इस तरह का सरफेस नहीं होता। तो जहाँ पर भी सरफेस सॉफ्ट होगा, जैसे ये आप देख रहे हैं, जो आपको ये जो है एक तरह से मैटिंग जैसा सरफेस है, सरफेस सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपके पार्क में सरफेस सॉफ्ट नहीं है तो आप मिट्टी की जगह जहाँ पर है पार्क, वहाँ पर रनिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ हम जानेंगे कि कौन कौन से कार्डियो एक्सरसाइज करके हम आसानी से वेट लॉस कर सकते हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी से कहता हूँ, सोना मत, खुद को तकलीफ देके जगाना पड़े तो जगाओ, पर तुम सोना मत। अपने आराम से बाहर आना पड़े तो आओ, पर तुम सोना मत, क्योंकि जब उम्र बीत जाएगी और सिर्फ नाकामयाबी हाथ रह जाएगी तो चाह कर भी नींद नहीं आएगी। इसलिए तुम सोना मत, जब तक मंजिल के बीच आने वाली हर मुसीबत खुद थक कर सोना जाए, जब तक तुम सोना मत। ड्रीम विद योर होप ऑन आइज़।